हेलो गाइस एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग जो लेक्चर को ऑलरेडी अभी देख रहे हो सब्सक्राइब कर चुके हो चैनल को अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लो गाइस पार्ट एट है ये हमारा एक तरह से एटथ लेक्चर है आपके एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का और अभी तक जो मेरा प्राइम फोकस है वो बेटा पी के ऊपर है अभी हम पी को कवर करेंगे बेसिकली मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं अगर तो हमने जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू से मैंने पीआईबी आई बी को पिकअप किया है और हम इसको कवर अप करते जाएंगे अभी जनवरी के तो हम ऑलमोस्ट पीआईबी की देख चुके हैं सारी फेब चल रहा है अभी तो एक बार पीआईबी कवर हो जाए उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे जैसे हिंदू है उसके अंदर एग्रीकल्चर के बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स uh, आते हैं वीकली बेसिस के ऊपर उनको भी कवर करूंगा तो हम उस तरीके से चलते जाएंगे कुछ भी आपका करंट वाला छोड़ूंगा नहीं ठीक है स्कीम्स वगैरह को भी आगे चल करके हम इसी तरीके से कवर करते रहेंगे तो एर्थ लेक्चर है ऑलमोस्ट हर लेक्चर के अंदर ऑन एन एवरेज पांच क्वेश्चन तो आपको मिले ही मिले हैं तो फोर्टी टू फोर्टी फाइव क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं और इसी तरीके से हम चलते रहेंगे तो अल्टीमेटली आपका एक ह्यूज डाटा बैंक जो है क्वेश्चन का बिल्डअप हो जाएगा सो डो नॉट वरी अबाउट दैट तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से ये पहला क्वेश्चन है नाउ एज पर द कॉन्फ्रेंस ऑन क्योटो प्रोटोकॉल अभी नाइनटीन सी हुआ था दो हजार बाईस के अंदर तो इन्होंने फॉरेस्ट की डेफिनेशन बोला था तो एक सिंगल डेफिनेशन इन्होंने नहीं दिया ठीक है इन्होंने बोला कि कंट्रीज अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो फॉरेस्ट है उसको डिफाइन कर सकते हैं ठीक है तो कोयोटो ने बेसिकली अपनी की में क्या पैरामीटर रखा है तो सीधा सीधा इन्होंने ये पूछा है कि आस पर कोयोटो प्रोटोकॉल फॉरेस्ट को कैसे डिफाइन कर सकती है एक कंट्री पहला ऑप्शन ये कहता है कि अगर जो क्राउन कवर है क्राउन कवर क्या होता है जो बेसिकली जो आपके पेड़ होते हैं ना जो ये टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको क्राउन बोलते हैं तो क्राउन कवर का जो परसेंटेज है ट्री का क्राउन कवर जो है वो टेन टू थर्टी परसेंट होना चाहिए पहला ये बोलता है दूसरा बोलता है कि जो मिनिमम हाइट ऑफ ट्री है या पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं कि ट्री का क्या पोटेंशियल है कि वो कितनी मिनिमम हाइट अटेन कर लेगा इन सिटू यानी कि उसी जगह पर उसको किसी और जगह पर नहीं लेकर के जा रहे हो आप इन सिटू वो कितनी मिनिमम हाइट अटेन कर लेगा मेच्योरिटी पर तो उसमें दो से पांच मीटर तो क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से इनमें से कौन सी डेफिनेशन फॉरेस्ट को डिफाइन करने में यूजफुल होगी ऑल ऑफ ऑफ दी दी अबव अबव और नन अब ये आंसर तुक्केबाजी से नहीं चलता ठीक है थीके? ये आंसर तुक्केबाजी से नहीं चलता ये तभी आप कर सकते हो अगर आप ने पढ़ा हुआ है ठीक है सो राइट आंसर इस केस में क्या है राइट right आंसर है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव ओके ऑल ऑफ दी अबव ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आने के लिए ऑल राइट सो एस पर द डिसीजन ऑफ नाइनटीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्यों टू प्रोटोकॉल द फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड बाई एनी कंट्री कोई भी कंट्री फॉरेस्ट को कैसे डिफाइन कर सकती है अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के बेस पे ठीक है तो एक लिमिट इन्होंने सेट कर दी अब जैसे इन्होंने बोल दिया कि क्राउन कवर परसेंटेज जो जो है ट्री क्राउन कवर होना चाहिए वो 10 से 30 परसेंट होना चाहिए अब वो कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा कोई कंट्री कहेगी कि ठीक है हमें 15 परसेंट रखना है कोई कहेगी हम ट्री क्राउन कवर को 20 परसेंट रखेंगे फॉरेस्ट को डिफाइन करने के लिए हम पच्चीस रखेंगे जैसे इंडिया है इंडिया क्या कहता है इंडिया ने दस रखा हुआ है तो अगर ट्री क्राउन कवर दस है तो वो फॉरेस्ट की पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी ये इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट ट्वेंटी के अंदर भी

रखा है इसके अंदर तो बेसिकली इंडिया में कैसे डिफाइन होगा ट्री कवर दस एरिया एक उसके बाद कि जो है वो क्योटो ने बोला है कि दो से पांच मीटर के बीच में होना चाहिए और इंडिया ने दो मीटर रखा है तो अगर कंप्लीट डेफिनेशन देखें इंडिया की क्या है कि भाई दस परसेंट ट्री क्राउंड कवर होना चाहिए एक हेक्टेयर मिनिमम एरिया ऑफ स्टैंड होना चाहिए और दो मीटर, और क्योटो ने क्या रखी 10 से पांच मीटर ठीक है अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना ठीक है या टेलीग्राम लिंक के ऊपर डिस्क्रिप्शन में कर के वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो वहां पर भी आपसे बात कर लेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट एक कौन सी सिटी के अंदर लोकेटेड है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो वो पेपर के अंदर टाइम एंड अगेन पूछता ही है सो so, यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है जयपुर अजमेर लखनऊ इंदौर नन ऑफ दी अबब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर ठीक है एक और क्वेश्चन देखो फिर न्यूज दिखाता हूँ कि क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन है काउडंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्राकृतिक पेंट प्राकृतिक पेंट में काउडंग गोबर का इस्तेमाल किया जाता है डैश केजीज और एक्स केजीज ऑफ काउडंग इज यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग 500 लीटर ऑफ पेंट 500 लीटर पेंट बनाने के लिए कितना काउडंग यूटिलाइज करना पड़ेगा एक्स की जगह पर क्या आएगा ऑप्शन ए सौ किलो दो किलो बी सी पांच डी हजार ई नन ऑफ दितना काउडंग लगेगा कितना गोबर लगेगा 500 लीटर पेंट बनाने के अंदर तो ये भी पीआईबी के अंदर मेंशन था अब आप, आप किसी को शक हो रहा हो मैंने अभी आज ही जो एक अभी लेक्चर आपका डाला है करंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उसके अंदर उन्होंने पूछ लिया ना कि यूरिया का बैग कितने किलो का होता है तो पूछ सकता है सो द राइट आंसर ओवर हियर इज 100 केजीज 100 केजी काउडंग लगता है 500 लीटर पेंट बनाने के लिए खादी प्राकृतिक पेंट का जिक्र था पीआईबी के अंदर तो उसको डिस्कस कर लेते हैं तो खादी प्राकृतिक पेंट को डेवलप किसने किया है कुमारपा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था जो जयपुर के अंदर लोकेटेड है ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की ही एक यूनिट है और ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के के कंट्रोल के अंदर आता है ये भी याद रख लेना कई बार आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर टिक लगा करके आ जाना अगर वो पूछ ले कि कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है ठीक है खादी प्राकृतिक पेंट इको फ्रेंडली है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है ठीक है सरकार क्या कहती है कि खादी प्राकृतिक पेंट बड़े सारे एरियाज़ के अंदर हेल्प करेगा उनमें से एक तो ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगा ठीक है रूरल एरियाज के अंदर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा फार्मर्स को एडिशनल रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा क्योंकि पहले गोबर किस यूज़ का था अब वो उस गोबर को सेल कर सकते हैं पेंट मैन्युफैक्चरर्स को ठीक है और क्योंकि जो एडिशनल इनकम आएगी फार्मर को वो फार्मर को तो हेल्प करेगा ही करेगा साथ ही साथ काउ शेल्टर होम्स वगैरह बनाने में भी हेल्प करेगा एक तरह से इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा रूरल इकॉनमीम को इंप्रूव करेगा और रूरल इकॉनमी इंप्रूव होगी तो जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है जो रूरल से अर्बन एरियाज के अंदर माइग्रेशन हो रही है कंटिन्यूसली उसके अंदर भी काफी हेल्पफुल रहेगा ये सारे पॉइंट्स अब जैसे जो बच्चे नबार्ड का पेपर देने वाले हैं नबार्ड ग्रेड है उसमें तो जानते हो ना कि थियोरिटिकल भी है ठीक है आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी है मेन्स के अंदर वहां पर इस तरह के पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं काउडंग मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्राकृतिक पेंट के अंदर 100 किलो काउडंग लगता है 500 लीटर का पेंट बनाने में ये एस एच पी आई बी के अंदर ही मेंशन था मैंने कहीं और से एडिशन नहीं किया है ठीक है एंड काउडंग अगर प्रॉपरली यूटिलाइज होगा तो रूरल एनवायरमेंट की क्लीनलीनेस के अंदर भी ये हेल्प करेगा एंड जो आपका ये कुमारप्पा इंस्टीट्यूट है ये खादी प्राकृतिक पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है ताकि लोकल एंटरप्रेन्योर्स इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है वो सेटअप कर सकें ठीक है जी प्राकृतिक प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रधानमंत्री इंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम स्कीम के अंदर भी इस्टैब्लिश किए जाएंगे ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये के न्यूज में आता रहता है और इसका ईयर भी कहीं ना कहीं रहता है ठीक है न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन के किस साल फॉर्म हुआ था ये आपको पता होना चाहिए टाइम एंड अगेन पिछले सालों के पेपर उठा करके देखोगे क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आगे भी चल करके पूछ सकता है सो so, के किस साल फॉर्म हुआ था सीधा सा आंसर है ऑप्शन बी नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्मॉल साइज बायोगैस प्लांट्स बेसिकली जो वन टू ट्वेंटी फाइव मीटर क्यूब बायोगैस पर डे प्रोडक्शन करने वाले बायोगैस प्लांट्स होते हैं उनको स्मॉल साइज बायोगैस प्लांट्स की डेफिनेशन में रखा जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती है किस प्रोग्राम के अंडर ऑप्शन ए न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मेन्योअर प्रोग्राम ऑप्शन बी बायोगैस बेस्ड पावर जनरेशन ऑफ ग्रिड एंड थर्मल एनर्जी एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑप्शन सी प्रोग्राम ऑन एनर्जी फ्रॉम अर्बन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वेस्ट रेजिड्यू एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट वेस्ट टू एनर्जी स्कीम ऑप्शन डी ऑल ऑफ ऑप्शन ई नन ऑफ तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहले तो आपको आंसर बता दू ऑप्शन ए जो है वो सही है तो जो स्मॉल साइज बायोगैस प्लांट्स हैं टू मीटर क्यूब बायोगैस पर डे प्रोडक्शन वाले वो आपके न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मेन्यूर प्रोग्राम के अंदर आते हैं ठीक है जी तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्ट करती है बायोगैस प्लांट्स की स्टेब्लिशमेंट को इन स्कीम्स के अंदर स्मॉल साइज बायोगैस प्लांट्स यानी कि वन टू ट्वेंटी फाइव मीटर क्यूब बायोगैस पर डे वाले जो सपोर्ट होते हैं वो न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मेन्यूअर प्रोग्राम के अंदर सपोर्ट होते हैं मीडियम साइज बायोगैस प्लांट्स बेसिकली जो 30 से लेकर के 2500 मीटर क्यूब बायोगैस पर डे प्रोड्यूस करते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है अंडर बायोगैस बेस्ड पावर जनरेशन एंड थर्मल एनर्जी एप्लीकेशन प्रोग्राम उसके बाद जो लार्ज साइज बायोगैस प्लांट्स हैं जो 25 मीटर क्यूब से ज्यादा बायोगैस पर डे प्रोड्यूस करते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है ऑन प्रोग्राम ऑन एनर्जी स्मॉल मीडियम तो और लार्ज तीनों को अलग अलग प्रोग्राम के अंदर किया जाता है अपना क्वेश्चन स्मॉल के ऊपर था सिमिलरली क्वेश्चन मीडियम के ऊपर भी आ सकता है लार्ज के ऊपर भी आ सकता है अब यह स्कीम्स इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक वैलिड थी इकतीस मार्च 2021 के बाद सरकार क्या कह रही है कि ये स्कीम को कंटिन्यू करेंगे 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक लेकिन जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स अंडर मेकिंग है जो ऑलरेडी लाइबिलिटीज क्रिएट हो चुकी हैं सिर्फ उनके लिए ये प्रोग्राम कंटिन्यू होंगे इन स्कीम्स के अंदर कोई भी नया प्रोजेक्ट को सेंक्शन नहीं किया जाएगा सरकार क्या कह रही है कि इनके अंडर किसी भी नए प्रोजेक्ट को सेंक्शन नहीं किया जाएगा तो ये

ठीक है नए प्रोजेक्ट नहीं आएंगे लेकिन पुराने प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं ना तो जो आपका सबसे पहले स्मॉल साइज वालों के लिए उसमें सेवेंटी फाइव हंड्रेड से लेकर थर्टी फाइव थाउजेंड तक की सब्सिडी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती थी प्लांट साइज के ऊपर बेस्ड पे ठीक है उसके बाद जो आपके मीडियम वाले हैं उसमें ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू फोर्टी थाउजेंड पर किलो वॉट फॉर पावर जनरेशन प्रोवाइड किया जाता था और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड से बीस हजार रुपए पर किलोवाट इक्विवेलेंट फॉर थर्मल एप्लीकेशन ठीक है और एक करोड़ पर ट्वेल्व थाउजेंड मीटर क्यूब पर डे ऑफ फॉर बायोगैस जनरेशन लार्ज के अंदर और फोर करोड़ पर फोर्टी एट हंड्रेड के जी पर डे बायो सी एनजी जनरेशन ठीक है तो ये इनका क्राइटेरिया था तो ये थोड़ी सी लिमिट दिमाग के अंदर रख लोगे तो ईजीली आपका जो काम है वो बन जाएगा ओके जी उसके बाद एम आप सब जानते हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस

सिमिलरली जो तोया है उसका एमएसपी कौन सी दूसरी क्रॉप के एमएसपी के बेसिस के ऊपर फिक्स किया जाता है जैसे डीहस्फ कोकोनट का कोपरा के बेसिस पे वैसे ही आपका जो तरैया है इसका जो एमएसपी सेट होता है वो होता है रेपसीड एंड मस्टर्ड के एमएसपी के बेसिस पे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना आपने चलो जी अच्छा ये अब लास्ट न्यूज है इसके बाद हमारी आज की लेक्चर की छुट्टी हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ मंडीज विद ई नैम ठीक है आप जानते हो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जैसे फिजिकल मंडीज है उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को ताकि फार्मर्स को बेटर रीच मिले तो सरकार बेसिकली कहती है कि हम ई e नैम स्कीम के अंदर चाहते हैं कि मंडीज जो है जो फिजिकल मंडीज हैं वो ई e नैम के साथ इंटीग्रेट हो जाए तो उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो सरकार क्या कहती है केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करती है ठीक है इसका मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया ये सिर्फ आपको एज इट इज कर रहा हूँ करा रहा हूँ ताकि नबार्ड के अंदर अगर रिटर्न में आ जाए तो आप कर सको ठीक है इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है वो भी बताता हूँ तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार कहती है कि हम आपको सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री प्रोवाइड करेंगे ठीक है उसका कोई खर्चा नहीं लेंगे उसके अलावा जो केंद्र सरकार का विभाग है वो स्टेट्स को या यूटीज को एक टाइम का ग्रांट देगा एक बार पैसे देगा कितने देगा सेवेंटी फाइव लाख पर मंडी ठीक है जो अभी ई एन, नाम के साथ इंटीग्रेट नहीं हुई है हर मंडी को पचहत्तर लाख रुपए दिए जाएंगे ये सेवेंटी फाइव लाख किस लिए होंगे किस लिए दिए जाएंगे स्टेट को ताकि वो हार्डवेयर परचेज कर सकें इंटरनेट कनेक्शन लगवा सकें जो भी इक्विपमेंट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो चाहिए क्लीनिंग ग्रेडिंग पैकेजिंग फैसिलिटी वगैरह जो चाहिए वो सब लेकर के आ सके ताकि मंडी को इंटीग्रेट किया जा सके ई नैम के साथ तो ये सेवेंटी लाख रुपीज पर मंडी याद रख लेना इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एक साल के लिए ट्रेंड स्टाफ भी प्रोवाइड करेगी ताकि जो है सपोर्ट चलता रहे हेल्प डेस्क सपोर्ट इसमें से कुछ कोई पूछने नहीं वाला है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी बनाए गए हैं ताकि ट्रेन किया जा सके मंडीज को जो फिजिकल मंडीज हैं उनको ई e के अंदर साथ ही साथ रेगुलर ट्रेनिंग स्टेक होल्डर्स को भी दी जाएगी चाहे वो फार्मर्स हैं ट्रेडर्स हैं मंडी का स्टाफ है ताकि ई नैम पोर्टल को सब अच्छे से यूज कर सके ठीक है तो ये सेवेंटी फाइव लैक वाला बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लेना डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है चलो जी सो दिस इज़ इट शॉर्ट क्रिस्प एंड क्विक वीडियो इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोज ही डालेंगे ठीक है ताकि आप लोग भी फटाफट चलते हंसते गाते कोई मेट्रो में चल रहा है बस में चल रहा है ठीक है थक गए हो अपनी सेल्फ स्टडी करते करते पाँच मिनट की दस मिनट की पंद्रह मिनट की वीडियो देख ली माइंड भी रिफ्रेश हो गया कुछ नया भी सीखने को मिल गया तो ये अप्रोच है कराने को यूट्यूब के ऊपर दो दो तीन तीन घंटे की लेक्चर भी डाल सकते हैं पर उसका कोई अल्टीमेटली मोटिव अभी ये क्या फटाफट 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 क्विक बाइट्स ठीक है जय फटाफट खाते ना स्नैक टाइप तो ये आपके लिए स्नैकर्स हैं ठीक है जी चैनल को जरूर फॉलो करना है सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ पे फेसबुक पे यूट्यूब पे जहां पर भी कर सकते हो बेटा ठीक है और कोई डाउट हो कमेंट में व्हाट्सएप में मेल में टेलीग्राम में जहां मर्जी पूछो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय